सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में ओप्पो A3s है। ए फोन में जो एक प्रॉब्लम है, ए फोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जा रहा है और ए फोन जैसे डाटा या यूट्यूब खोलने से रीस्टार्ट हो जा रहा है और जब भी चार्ज लगा रहे तो ही चल रहा है, लेकिन जो है चार्ज निकालने से तुरंत ऑफ हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑफ करके इसकी जो है चार्जिंग आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 99% चार्ज है और इसकी बैटरी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये फोन में प्रॉब्लम आ रहा है बार बार। तो फोन जैसे कस्टमर अपना नेट ऑन करने जा रहा है तो भी वो फोन हो जा रहा है ऑफ, और जैसे ही कोई चीज करने जा रहा है यूट्यूब ये सब तो वो फोन रीस्टार्ट हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो ये जो है आज की वीडियो में इसका आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो आप लोग जो लोग चैनल पे नए आए हैं और जो लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग को मैं बता दूंगा, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा टेक्निकल शॉप दो है, दीपक टेलीकॉम, दीपक कम्युनिकेशन, और मेरा नाम दीपक है। मैं आप लोग के लिए इसी तरह का मोबाइल अनलॉकिंग कॉन्टेंट लाता रहता हूँ और मोबाइल सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियो अनबॉक्सिंग इस चैनल पर बना के देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं वीडियो में लाइक करूँगा तो आप लोग पीछे जो वीडियो चल रही है सेम देख के कर सकते हैं अपने फ़ोन को ठीक। तो यहाँ पे फोन हमारा ऑन हो चुका है और इसमें अभी चार्जिंग लगी है, तो ये फोन ऑन चल रहा है, लेकिन ये जो है जैसे चार्जर निकालूंगा तो भी ये बंद हो जाएगा, जैसे नेट ऑन करूंगा तो भी ये फोन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी नेट ऑन किए तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इसमें चार्जर लगी है। तो अभी कई बार ये हो रहा है, कई बार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं चार्जर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फोन ऑफ भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हुआ। तो देखिए, मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्या हो रहा है इस फोन में पूरा। यहाँ पे देखिए, अभी डाटा ऑफ है और ऑन किया तो कुछ भी करने से, डाटा ऑन भी करने से हो रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। देखिए, अभी मैं अभी दिखाता हूँ YouTube, अभी जैसे खोलूंगा अब हो जाएगा फाइनली, यानी कि कुछ भी हल्का फुल्का यानी फोन पे लोड पड़ रहा है, ऑफ हो गया, ये फोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है। तो आज की वीडियो में इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है आपको, इस प्रॉब्लम को मैं फिक्स करके आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और आपको जो है वीडियो में थोड़ी बहुत साउंड जो है बाहर की आ सकती है नॉइस, क्योंकि ये जो ओप्पो A7 है, क्योंकि ये फोन में जो है वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ ओप्पो A7 है, जो फोन अनलॉक हो रहा है और जिसका प्रॉब्लम है वो A3s है। तो मैंने अब जो है वो Redmi Note 6 Pro ले लिया है, मेरा जो वॉइस क्वालिटी अब इसमें अच्छी आती है। अब इस फोन से मैं वीडियो बनाऊंगा, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो बनाते समय कि मेरा जो वॉइस आपको अच्छे से नहीं मिलता है, नॉइस आ जाती है वायर बाहर से। तो अब मैं इस फोन से वीडियो बना के दूंगा। तो काफ़ी आप लोग का प्यार सपोर्ट मिला, तो काफ़ी कुछ अच्छी खासी अर्निंग आई थी फर्स्ट पेमेंट से, तो उसी पैसे से मैंने इस जो है फोन को बाय कर लिया हूँ। और इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि मैं वोया का माइक यहाँ पे यूज करता हूँ और जो है माइक तो काम अच्छे से करता है, लेकिन फोन जो है Redmi Note 6 ये जो ओप्पो A7 नहीं काम करता, जिससे मैं अभी वीडियो बैठ के शूट कर रहा हूँ। तो इसमें अच्छे से लेकिन माइक यूज किया हूँ, लेकिन वॉइस में जो है नॉइस कैंसिलेशन अच्छी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे देखिए, फोन में 99% बैटरी चार्ज है, लेकिन ये प्रॉब्लम को मैं वीडियो में फिक्स करके आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ। और आप लोग को देखिए, यहाँ पर मैंने बताया नीचे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कस्टमर लॉकडाउन में परेशान थे, भैया मेरा कर दीजिए, खो जाएगा, आप कर दीजिएगा। लेकिन मैं हार्डवेयर काम बहुत कम करता हूँ, आप लोग देखे हैं कि मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, अनलॉकिंग टिप्स देते रहता हूँ। और जो है अभी मेरे ब्रदर ही हार्डवेयर करते हैं, लेकिन मैंने उनसे कुछ गाइड किया और जो है कुछ नॉलेज लिया, लेकिन मैं ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ही जो है डिग्री है, मैंने ही हार्डवेयर कोर्स और सॉफ्टवेयर कोर्स दोनों ही सीखे हैं। क्योंकि मैं हार्डवेयर क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें दौड़ भाग करने पड़ते हैं, सामान लाना पड़ता है, तब जाके होता है। तो यहाँ पर मैं इस फ़ोन को जो है बैक पैनल को ओपन करने जा रहा हूँ, तो मैं हार्डवेयर पर ज़्यादा दिमाग यानी कि नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उसमें तामझाम बहुत रहता है। तो लेकिन नहीं, मैं हार्डवेयर भी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जब सीखा है तो सिखाने में जाता क्या, क्योंकि उसमें जो तामझाम रहता है इसलिए मगजमारी रहता है, मैं वीडियोस पे नहीं बना पाता। लेकिन जो है मैं आपको आने वाले समय में हर एक चीज़ को सिखाऊंगा, और नहीं तो मैं अपने ब्रदर को ही बोलूँगा एक अपना चैनल बना के लोगों को कुछ अच्छे अच्छे वीडियो दे, जिससे उनको हेल्प हो पाए, जिससे वो कुछ अपने फ़ोन को डिस्प्ले उस्प्ले ख़राब होने पे या कुछ भी चार्जर पैनल ख़राब होने पे ठीक कर पाए। क्योंकि YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगी आपको, लेकिन अच्छे से नहीं मिल पाती, तो मैं आपको बताऊंगा। इसका पैनल काफ़ी हार्ड है, मैंने इसे जो है अपने नेल से खोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे टूल नहीं रहते। मेरे एक अलग शॉप है दीपक टेलीकॉम, उस शॉप पे जो है हार्डवेयर भाई बैठता है, वहाँ पे करता है, वहाँ पे बहुत सारे जो है टूल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ही कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने नाखूनों के हेल्प से इसे बैक पैनल को ओपन कर लिया हूँ। तो लेकिन मुझे जो है लगता रहता है हार्डवेयर काम, क्योंकि मैं जब भी सॉफ्टवेयर करता हूँ पैनल ओपन करना पड़ता है बैक पैनल, तो थोड़ा बहुत तो जो है किसी कार्ड वोड से भी खोल देता हूँ फोन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से खोल दिया, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर भी मैंने रखा है, और यहाँ पे इसके बैक पैनल को अच्छे से स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से खोल लेता हूँ।
जो है मैं अपना जो फोन अच्छा से ले लिया हूँ और आप लोग प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो काफी खुशी होती है कि आप लोग इतना जो है प्यार सपोर्ट दे रहे हैं। और आने वाले समय में इस चैनल को आगे ले जाने के बाद आपको अच्छे अच्छे कंटेंट और जो है और भी अच्छे से पेमेंट आएगा। अभी तो मैं गर्मी में बैठा हूँ, यहाँ पे जो है कि एसी भी नहीं लगा पाया हूँ, क्योंकि जो पंखा चलाऊंगा तो बहुत सारा साउंड आपको नॉइस आ जाएगी, वीडियो में कुछ समझ नहीं आ पाएगा। और मैं आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए अलग से वीडियो एक अलग शूट करता हूँ, जो अभी बैठ के यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये अलग से वीडियो इस वीडियो में इंक्लूड हुआ है जो पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे क्रोमा के हेल्प से यहाँ पे ग्रीन कलर का पर्दा था जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं इसे हाइड कर दिया हूँ। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, काइन मास्टर से हाइड किया जाता है, काइन मास्टर को भी आप लोग चलाना सीख सकते हैं। और यहाँ पे बैटरी को आपको रिमूव करना है, तो आपको इस बैटरी को रिमूव करना है, मदरबोर्ड को आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बैटरी को यहाँ पे स्ट्रिप लगी है हल्के हाथों से उठाना है, फोन कहीं टकराए नहीं फ्रेंड्स, आपको ध्यान से जो है आपका डिस्प्ले भी कभी टूट सकता है, नहीं तो आप थोड़ा बहुत हिट मार लो, या तो आपके पास ब्लोअर है तो ब्लोअर है तो आप थोड़ा बहुत हिट मार सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गोद के हेल्प से यहाँ पे उठा था, हाँ उठ गया, काफ़ी अच्छे से मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है फ्रेंड्स। तो जो थोड़ा बहुत मैं रिपेयरिंग कोर्स सीखा था, जैसे 4-5 महीने मैंने रिपेयरिंग कोर्स सीखा था, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकल कम कराते थे, जो लिखाने पढ़ाने का काम ज़्यादा करते थे, तो यानी कि थ्योरी यानी कि कम कराते, जो यानी कि सिखाते कम थे लिखाते ज़्यादा थे। तो वहाँ पे मैं सीखा हूँ, लेकिन जो है तब पर भी मेरे को नॉलेज था जितना, मैं अपने से ही दोनों शॉप ओपन मैंने ही किया था अपने लाइफ में, और मैंने अपने दोनों शॉप को रनिंग भी करा लिया हूँ और काफ़ी अच्छे से मेरे दोनों शॉप चलते हैं। तो यहाँ बैटरी कनेक्टर निकालने के बाद आपको एक ALK जो है कनेक्टर मिलेगा, बैटरी कनेक्टर, उसे आपको जंपर करना है। यहाँ पे देखिए मैं अपने सोल्डिंग आयरन से इसे जंपर कर रहा हूँ, आपके पास एक सोल्डिंग आयरन होना चाहिए फ्रेंड, नहीं तो आप कहीं पे उसे शॉर्ट करा सकते हैं, या किसी जो है तार से वहाँ पे चिपका के उस कनेक्टर को शॉर्ट कराना है, बस आपको ALK एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शॉर्ट करा के आपको फिर से वहाँ पे लगा देना है। ये प्रॉब्लम का आपका प्रॉपर सोल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका जो है फोन बार बार रिबूट हो रहा था, इस वीडियो में आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा और आपका जो है रिबूटिंग का प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। यदि आपका फोन में तब पर भी हो रहा तो आप एक बार मदरबोर्ड को चेक करा पाएंगे, देखिए बाहर से पीप पीप साउंड आ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम के लिए मैंने आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैंने अपने यूट्यूब के फर्स्ट पेमेंट से ये जो है Redmi Note 6 Pro लिया है। इससे जो है अभी इसमें वीडियो एडिट, इसमें इस Oppo A7 में वीडियो शूट हुई थी, इसी फ़ोन में मैंने एडिट कर रहा था, तो इसी फ़ोन से मैंने सोचा कि इस वीडियो को भी शूट कर दूं, लेकिन अब से जो है आपको वॉइस ओवर क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी इस फ़ोन से। वीडियो तो कई वीडियो इधर मैं अपलोड की हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं, उसमें अच्छी वॉइस कॉल। अब मैं इसमें सिम लगा के आपको नेटवर्क चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिम लगा दिया है मैंने, और इसका जो है नेट ऑन करके दिखाते हैं हम। तो इसमें जो है नेट ऑन करेंगे तो अब हमारा प्रॉब्लम नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा लग चुका है सिम, और इसमें हम जो है अब देखते हैं डाटा ऑन करके, और जो है कनेक्टर लगाते हैं। अब देखिए पावर ऑफ नहीं होगा, कोई भी दिक्कत अब नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो आपका ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और मैं अब इसे काफ़ी देर तक यूज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन बार बार ये कस्टमर प्रॉब्लम हो रहा था। ये प्रॉब्लम लगता है कस्टमर ने ज़्यादा बहुत लगता है गेमिंग करता था बंदा, तो कस्टमर बोला मैं दिन भर गेम खेलता था, मुझे लगता है उसके बैटरी में काफ़ी जो है हीट आने की वजह से ये प्रॉब्लम आया है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो जो है प्रोसेसर और बैटरी में एक कनेक्टर रहने की वजह से वो कनेक्टर को आपको शॉर्ट करा देने के आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आजकल बैटरी में भी कनेक्टर पावर कनेक्टर लग के आते हैं, जो उसके जो है मेंटेनेंस को मैनेज करते हैं, तो कनेक्टर ख़राब होने की वजह से मैंने उसको जो है शॉर्ट करा दिया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको घबराने की बात नहीं, आपके फ़ोन को शॉर्ट नहीं होगा। जो ALK कनेक्टर को आपको एक तरफ से दूसरे तरफ जो है ब्रिज बनाना है, ब्रिज यानी कि जंपर देना है, दो जंपर दे देंगे, यानी कि सोल्डिंग करके दोनों को सटा भी देंगे ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो मैंने सटा दिया है और हो गया है काम, और कस्टमर से कुछ जो है चार्ज लिया हूँ, और कस्टमर खुशी से एक बार मुझे 300 दिए थे, सॉफ्टवेयर मैंने उस पर करके दिया था, तो सॉफ्टवेयर से तो हुआ नहीं, तो भी सॉफ्टवेयर में उसका पैसा चला गया, लेकिन उसके बाद मुझे वो कुछ कम बेसी दिया, मैंने उसके जो है बैटरी कनेक्टर को ठीक कर दिया, जो है 200, 250, 300 दिया। जो मैं इस वीडियो में बोलूँगी नहीं तो आप लोग बोलेंगे भैया आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं भी कस्टमर लोग का हेल्प करता हूँ। देखिए यहाँ पे यूट्यूब खुल चुका है, कई सारे कस्टमर को मैं ऐसे भी काम कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, और कस्टमर खुश। तो जो है दुकान पे मैंने काफ़ी डेडिकेशन और हार्ड वर्क करके मैंने दोनों दुकान को रनिंग करा दिया है, और अपने एरिया में कुछ नाम भी कमा लिया है, और मेरे दोनों शॉप का नाम काफ़ी अच्छे से है मेरे एरिया में, और दोनों शॉप पे काफ़ी लोग कस्टमर आते हैं, और दोनों शॉप आस ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है।
तो यहाँ पे हो चुका है हमारा फोन ठीक, और OPPO A3S। तो इसमें जो है अब हम डाटा ऑन भी ऑफ कर पा रहे हैं, नेट भी हमारा यूज़ हो पा रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड फ्रेंड में। तो कैसा लगा ये वीडियो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।